तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं डेवलपर का। हम यहाँ पे विजुअल बेसिक पे जाते हैं और यहाँ हम इंसर्ट करते हैं एक नया मॉड्यूल्स को। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट में आर आ रही है, राइट। और मान लीजिए कि हमने वेरिएबल लिया, यहाँ पे हमने लिया डिम, हमने लिया मान लीजिए आर एज ए इंटीजर। देखिए मुझे क्या है कि 15-20 डेटा को स्टोर करना है, या 10 डेटा, या 5 ही डेटा मान लीजिए स्टोर करना है, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 5 वेरिएबल बनाएंगे, राइट। ए कॉमा करेक्ट। बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, इस तरह से। लेकिन सारे वेरिएबल्स अगर एक ही इसके हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको वन बाय वन डेटा स्टोर कर सकता है, आप इस पे कोई लूपिंग वगैरह नहीं लगा सकते, समझ गए। लेकिन करेक्ट। इसी चीज को हम एरे फॉर्मेट में करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे डिम लिया और हमने मान लीजिए ए, और यहाँ पे लिख दिया 1 to 5 एज ए इंटीजर। अब मैं यहाँ ए 1 = 30, ए 2 = 20 ऐसे दे सकते हैं। और इसमें हम जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, किसको, लूप को। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए आर लिया हुआ, राइट, और यहाँ पे कर दिया बिफोर i = चले 1 to 5, और हमने लिख दिया कि आर i = input बॉक्स, और यहां पे लिख दिया कि एक मिनट गड़बड़ है, इनपुट स्पेलिंग स्पेलिंग गलत। वेल। अब यहां पे करते हैं 4 i = चले 1 to 5, एम एस जी बॉक्स ए के साथ आर, सॉरी आर के साथ आई, ठीक है सर। तो एरे को इस तरह से हम बेनिफिट लेते हैं। हम लोग रिप ऊपर आए। एक मिनट, हमने यहाँ पे एंड नेक्स्ट नहीं किया है, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे 50, इट्स 30, 40, देख रहे हैं बार बार आ रहा है ना, 5 बार आएगा, और 5 बार में वापस मैसेज रिटर्न ही कर रहा है। जो इनपुट किया है वो जी एक एक बार फिर से कर सकते हो क्या बिल। देखिए क्या है, बताता हूँ आपको कि आपके पास दो ऑप्शन है। अगर मान लीजिए 5, 6, 7, 10 ऐसे वेरिएबल्स आपको लेने हैं, डेटा कहीं से लेना है, कहीं पे स्टोर करना है, या तो मैंने लूप के बारे में बताया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं और से आप लेंगे, कहीं और डालेंगे, ठीक है ना। तो कई सारे वेरिएबल्स अब लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि आगे ऑपरेशन को भी आपको मैनुअली 1 by 1 करने हो, ठीक है। लेकिन जब हम एक करेक्ट। एरर ले लेते हैं तो इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल में सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन होता है, बाद में इसमें हम लूप वगैरह आसानी से लगा सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमने अगर इनपुट डालना हुआ फिर भी हम लूप के जरिए ले लेते हैं, इनपुट वापस लेना हुआ तो लूप के जरिए ले लेते हैं, समझे कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग जैसे कि इंटीजर को हमें 5 बार डिफाइन करना है एज ए इंटीजर, एंड 5ों बार उसका वैल्यू अलग अलग देना था, तो उसको हम लोग काइंड ऑफ लूप में यूज करेंगे। जी, लूप में, या हाँ लूप में यूज कर सकता। देखिए अगर एरे मानो एरे, हमने उसको एरे पे यहाँ पे डिफाइन किया, देखिए यह क्या हुआ, एरे डिफाइन हो गया, राइट। आर इज इक्वल टू 1 to 5। बेसिकली हमने आर को, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ए लिया तो ए बेसिकली एक 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 ही डब्बा है, एक ही लैंड है, सही। हमने उसी लैंड को 5 बार में डिवाइड कर दिया, 5 लैंड अलग अलग बना दी, और यहां पे हम लिख सकते हैं कि लैंड आर कौन सा आर, तो हमने पहला पहला
क्या डाले इस पे? तो हमने बोला इस पे 30 डाले, 50 डाले। फिर आप कौन सा? दूसरा वाला रो नंबर, ये 30 डाले। तो हुआ क्या कि सिस्टम में एक एक एरिया डिफाइन हुआ इस तरह से, और उसके 5 अलग अलग रो बन गए, समझ गए? इस तरह से। और इसका एक एक एड्रेसिंग हो गया, ए हो गया आर, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और यहां पे 5, समझे? अगर मैंने R2 किया, R1 किया तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू, R2 किया तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू, R3 किया तो यहां पे आ जाएगी वैल्यू, समझे? तो एक टेबल स्ट्रक्चर्स के वे में डेटा को इनपुट करेगा वो। समझ आया विष्णु जी आपको, विकास जी? यस सर। कुछ और तो हम इसमें? लोग इवन मैसेज मैसेज बॉक्स को ना देते हुए अभी तो हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। वी कैन आल्सो गिव अ लोकेशन वेयर वी कैन पुट दिस वैल्यू, जहाँ पे हम लोग ये इनपुट कर सकते हैं। एक्सेल ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं सिंगल डायमेंशन एरे। क्या बोलते हैं? सिंगल डायमेंशन एरे। अब सिंगल बात डायमेंशन करते हैं मल्टीपल डायमेंशन एरे की। जैसे हमारा डिम आर, हमने बोला कि 1, 2, 10 रो कॉमा 1, 2, 3 कॉलम एज ए इंटीजर। तो क्या हुआ कि सिस्टम के अंदर में एक टेबल डिफाइन हुआ जिसके 10 रो और कितने कॉलम हुए? 3 कॉलम, तीन। समझ गया? इस तरह से। करेक्ट। और डेटा को हम इस तरह से डाल सकते हैं। तो होता है क्या है कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है एक्सेल के डेटा, पूरे डेटा शीट को जैसा है उसी फॉर्मेट में एक्सेल के अंदर डालने। तो रो एंड कॉलम का सेग्रीगेशन में जो प्रॉब्लम होती है ना, वहां पे हम इस तरह का एरे का डिफाइन करते हैं। तो वैल्यू कैसे लोड करेंगे? हम लिखेंगे R1,1, मतलब पहला रो पहला कॉलम, जो वैल्यू डालना डाल दीजिए। फिर आर दूसरा रो, यहां पे दूसरा रो एंड पहला पहला कॉलम कॉलम इक्वल टू 30, समझे? आगे क्लास में इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। फिलहाल समझ जाइए कि एरे को क्या ओके किया वेरिएबल। ओके तो एरे समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? नहीं। सो अभिनव जी बोलिए। नॉट फुल्ली सर, थोड़ा वो तो 50-50। बात सिंपल है, समझ जाइए ना कि अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो सिंगल सिंगल कर सकते हैं, नॉर्मल होगा। हाँ ठीक है। लेकिन हाँ जब अभी बहुत ज्यादा एरे भी करना कर होगा, सकते हैं। बहुत ज्यादा करना होगा तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कॉलम, पूरा कॉलम का डेटा लेना है तो ओके, इसको कॉलम का बोलते डेटा हैं एरे। 50। क्या सेकंड ऑप्शन है ना, आप कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं एरे। ओके मान लीजिए एक ओके कॉलम में आपको 50 देता है, तो 50ों को बीवीएम में लेके आना है वेरिएबल पे डाल के, तो 50 वेरिएबल डिफाइन करना पॉसिबल है सर? करेक्ट। यहां तो, यहां बना सकते 1 to 50 कर देंगे सीधे यहां पे, क्या? नहीं करेक्ट नहीं, क्योंकि 50 डालेंगे तो वो भी है ना कि हम लोग, एक तो मैक्रो भी बड़ा होगा साइज में। जी हाँ। तो दूसरा कि कॉलम में तो सही है, मान लो रो भी, रो और कॉलम दोनों है, मतलब ए से लेके A10 से लेके C10 तक की डेटा उठा के लाना है। लेकिन ऊपर वाले तो बताया सिंगल डायमेंशन, तो आपको क्या होगा, जितने कॉलम उतने वेरिएबल खाली करने पड़ जाएंगे फिर। लेकिन जब मल्टीपल डायमेंशन लेंगे तो यहाँ पे आप रो और कॉलम दो डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल। ठीक तो है, ये अभी
ये वाले जो सेकंड वाला एग्जांपल, इसमें सपोज हमारे एक्सेल की एक्चुअल एक्सेल में वैल्यू नहीं है, बट हम लोगों को वीबीए कोड में हमें वो वैल्यू लगती है रो एंड कॉलम में जी यूज करने के लिए, तो उस केस में हम लोग ये वाला यूज करेंगे। अगर ऐसा सिनेरियो कि हमें एक्सेल में कुछ वैल्यू है रो A1 में A2 में, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज जैसे कि अ। मान लीजिए ना, आपको एक A1 से A10 का, A1 से लेके C10 का डेटा है, आपको दूसरे शीट पे पेस्ट करना है उसको, राइट? तो हम लोग इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 50 वाले को पेस्ट करना है, जो गेट उसमें है से ना, हाँ गेट है 50, उसको पेस्ट करना है, लेकिन सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर पहले सीट में A3 पे अगर 50 है, तो दूसरे सीट पे भी A3 और 50 होना चाहिए, बाकी A2 में अगर 50 से नहीं है तो ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो जिस पैटर्न पे आपका डेटा वहां पे है, उसी पैटर्न पे डेटा लेके फिर दूसरे पे डालेंगे ना, करेक्ट। 50 वाले को छोड़ के बाकी को डिलीट करेंगे। तो उस केस में हम इस लेवल का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसी पैटर्न से डेटा उठा के हमें देगा, ठीक है? समझे कि नहीं? ओके या क्लियर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। मेरे पास ये डेटा है, दिख रहा है आपको? अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मुझे सिलेक्ट करके उसके ऊपर कॉपी फॉन्ट बहुत सारी चीजें अप्लाई कर, समझ गए? तो हम लोग क्या लिखते हैं अवेलेबल में? यहां लिखेंगे हम रेंज A1 से रेंज A1 डॉट एन एक्सलस, क्या करेंगे आप? टू राइट ना, राइट राइट, फिर डॉट सेलेक्ट, फिर यहां पे करेंगे अगेन रेंज A1 सिलेक्शन 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 कॉमा सिलेक्शन डॉट एक्सेल एंड एक्सेल डाउन डॉट सिलेक्ट। यस। उसके बाद हम यहां पे करेंगे सिलेक्शन डॉट कॉपी, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। फिर अगर आप सिलेक्शन कॉपी कर दे, फिर मैं वन डॉट सिलेक्ट कर दिया, मैंने कॉपी कर दिया, फिर मैंने यहां पे रेंज A1 डॉट सेलेक्ट कर दिया, और फिर मुझे वापस इसी के ऊपर मान लीजिए इसको फॉन्ट अप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे कलर अप्लाई करना है, तो फिर से दोनों कोड लिखना पड़ेगा ना मुझे सर यहाँ पे, और फिर से सिलेक्शन डॉट इंटीरियर डॉट करना पड़ेगा, राइट? तो उस केस में हम एक चीज करते हैं, करेक्ट। क्या हम डिफाइन करते हैं अपना ऑब्जेक्ट, हम बोलते हैं डिम आर एज ए रेंज। हमने बोला आर क्या है? एक रेंज। रिच आर इक्वल टू सेक्या। नीचे आते हैं, कहते हैं सेट आर इक्वल। ओके अब मुझे सिलेक्शन डॉट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आर डॉट आर कॉपी कॉपी आप कुछ भी कर लीजिए, आर हमेशा क्या रहेगा? कॉपी रहेगा, कॉपी रहेगा वो कॉपी रहेगा ना, जो भी आर हमेशा वो ऊपर वाला कोड है ना, वो कोड एक्टिव वो सिलेक्ट। हाँ रहेगा। हाँ वही सिलेक्शन एक्टिव। हाँ कुछ भी कर तो ले, हम लोग कहीं कहीं चले भी जाए, यूज किसी कर फाइल पे सकते चले हैं। जाए, किसी फाइल पे चले जाए, हर जगह पे हमारा ये फिक्स रहेगा।
आर को हम लोग डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, या जो भी आर को यूज करके इंटीरियर और जी, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से वर्कबुक डिम डब्लू एज ए वर्क वर्कबुक बुक बुक सेट डब्लू इक्वल टू एक्टिव वर्क वर्कशीट वर्कबुक होगा ना, उसके बाद आप वर्कबुक डॉट डब्ल्यू डॉट सेव कर लीजिए, सेव एज कर दीजिए, कॉपी कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, कोई और भी फाइल ओपन कर लीजिए, फिर भी डब्ल्यू हमारा फिक्स रहेगा। करेक्ट। इसका यूज कब करते हैं? जब कई सारे फाइलों पे काम करना होता है और जो हमारा मेन फाइल होता है उसकी एड्रेस को बार बार लेना पड़ता है, तो उस केस में इसको डिफाइन कर लीजिए। उसी तरह से डिम डब्ल्यू एस एज ए वर्कशीट वर्कशीट, फिर यहां पे सेट डब्ल्यू एस इक्वल टू एक्टिव वर्कशीट, या कोई सीट का नेम दे दीजिए, जो भी एक्टिव ही लगाना है, इसके जगह पे जो डालना चाहे डाल सकते हैं आप। ठीक है, इवन एक्टिव वर्कबुक में भी हम लोग वो वर्कबुक का अभी करंट वाला जो ओपन है उसका ही नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद हमेशा फिक्स हो जाएगा, नाम यहाँ शुरू हो जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे बात आती है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, हम वर्क भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सेट एन एस इक्वल टू वर्क बुक डॉट एड विथ एन एस, यहां पे कर दीजिए डॉट नेम इक्वल टू डेटा डॉट मूव या कॉपी, जो करना चाहते कर सकते हैं आप, समझे? तो एन एस क्या हो गया, एक वर्कबुक ऐड करना हो गया, क्या हो गया, या वर्कशीट ऐड करना होगा, या पिवट ऐड करना होगा। आगे क्लासेस में आपको हम बताएंगे इसको, ठीक है ना, समझे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने जी मैं समझा रहा हूँ। देखिए अभी हमने बताया आपको कि हम कोई एक ऐसा काम जैसे वर्कबुक ऐड करना, मान लीजिए हम एक वर्कशीट ऐड कर रहे हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं आपकी, तो हम ऐड करने के बाद फिर एक्टिव वर्कशीट के ऊपर जो करेंगे उससे अच्छा है कि हम वर्कबुक डॉट वर्कशीट डॉट ऐड कर दें, समझ गए ना? तो एक प्रोसीजर को भी आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। मान लो पिवट लगाना है, पिवट लगाने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो पिवट को हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, और विथ कमांड के साथ उसमें जो जो करना है कर देंगे। ये चीज हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, अभी जस्ट डिफाइन करना सिखा रहा हूं। तो आज क्लास में हमने सबसे पहले एरे पढ़ा, सिंगल एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, फिर हमने बताया ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने रेंज के बारे में जाना, वर्कबुक के बारे में जाना, वर्कशीट के बारे में जाना, और एक प्रोसीजर के बारे में जाना, राइट सर? तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस कल की क्लास में, हम जिससे आगे की चीजों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।